लास्ट तक काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी अद्भुत है, तो इसी दृश्य को लेते हुए चल रहे हैं हम आगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ लास्ट टाइम ब्लॉग में। यहाँ से आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये व्यू है यहाँ का, और चारों तरफ यहाँ जंगली जंगल है। चारों तरफ जहाँ आप नज़र डालेंगे वहाँ जंगल ही जंगल आपको नज़र आएगा। तो देख आप, ये है बड़ का वृक्ष, काफ़ी बड़ा है, और ऐसे इस जंगल में अनेकों प्रकार के बड़ के वृक्ष हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं। अभी हमने इस मंदिर में जाना है, और इस मंदिर में पहुंचते ही आपको यहाँ से दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है देहरादून का, में चलते हैं और अब हम उस मंदिर में पहुंचने ही वाले हैं और सीधे दर्शन करवाते हैं आपको मंदिर से। तो अब हम उस मंदिर में पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था, ये है प्राचीन शिव मंदिर शिवधाम तिलवाड़ी। तो यहां से आपको दिखाते हैं और दर्शन करवाते हैं भोलेनाथ जी के। सावन का मास चल रहा है, तो इसमें भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। जो सबसे प्रिय जो पुष्प है वो मैं दिखाने वाला हूँ। वह पुष्प अधिकतर लोग भोलेनाथ जी को चढ़ाते हैं, और भोलेनाथ जी को ही अक्सर यह चढ़ता है। तो इस पुष्प का नाम है कनेर का पुष्प। ये कनेर का पुष्प आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इससे भगवान भोलेनाथ सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यही मैं भोलेनाथ जी को चढ़ाने वाला हूँ। मैं अपने घर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर आया हूं, क्योंकि ये है प्राचीन मंदिर, और यहाँ इस मंदिर की ये मान्यता है कि जो कोई भी भक्तगण भोलेनाथ जी के लिए बेलपत्र और इसके साथ साथ कनेर के पुष्प लाता है, भांग धतूरा चढ़ाता है, तो इस मंदिर में सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आज इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि मंदिर के आप भी दर्शन करें। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप देहरादून से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम भोलेनाथ जी को ये कनेर के पुष्प चढ़ाएंगे, और भोलेनाथ जी को यहाँ पर हम अर्पण करने वाले हैं। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तां ग्रहाणं परमेश्वरौ। जय भोलेनाथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुच्यमामृतात्। जय भोलेनाथ। आप इस समय भोलेनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं, ये प्राचीन शिव मंदिर देहरादून से। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हैं। भोलेनाथ जी का ये प्राचीन मंदिर सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। भोलेनाथ जी को आप सावन में बेलपत्र आप देख रहे होंगे, ये चढ़ा सकते हैं, श्वेत पुष्प चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ ये पीले जो पुष्प हैं ये भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। इससे भोलेनाथ जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और ये यहाँ पर आप शिवलिंग के ऊपर देख रहे होंगे नागराज जी, तो नाराज जी की भी बहुत बड़ी महिमा है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ से जल भोलेनाथ जी को पड़ता है, यहाँ ऊपर से आप देख रहे होंगे ये कमंडल रखा हुआ है, और यहीं से सीधे भोलेनाथ जी के ऊपर इसकी जो धारा है वह प्रवाहित हो रही है। जय शंभो। ओम गंगे चिमने चेवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जरिस्मनम सनिधम कुरु पुष्करा ध्यान तीर्थानी गंगाधा सरस्ता
आयन्तु मम रक्षार्थे दुरिच्छैकारका ओम नमः शिवाय। दर्शन कर लिए हैं भोलेनाथ जी के, ऊपर हमने जल धारा और साथ ही साथ कनेर के पुष्प चढ़ा दिए हैं और अब हम आगे निकलने वाले हैं, तो बने रहिए आप हमारे साथ। अभी अभी हमने मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम वापसी जा रहे हैं और इस समय यहाँ पर जो प्रकृति का जो नज़ारा है, कितने सारे यहाँ पर पेड़ हैं, पूरा जंगल है। तो यहाँ पर थोड़ा रुकने का मन करा है तो यहाँ पर हम रुक गए हैं, थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ जहाँ भी आप नज़र लगाएंगे वहाँ चारों तरफ ये विशाल पेड़ हैं और ये कितनी ज़्यादा यहाँ हरियाली है, हरे भरे हैं। वैसे बरसात का मौसम है तो यहाँ प्रकृति ने चार चांद लगा रखे हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसे लगा आप कमेंट, शेयर, लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ किसी नए स्थान से, तब तक आप देखते रहिए A1 से माल ब्लॉग चैनल को।